में क्लास 10 हिंदी के प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो दो आने वाले 2022 एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका सही उत्तर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव के पिता का क्या नाम था? ए रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशुन सकपाल, डी राधेराम सकपाल। इसका सही उत्तर बी रामजी सकपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, सी डी जाति विभाजन। इसका सही उत्तर ए श्रम विभाजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी ए और बी दोनों, अर्थात प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। इसका सही उत्तर भी पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। इसका सही उत्तर ए 1956 दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1888, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। इसका सही उत्तर डी 14 अप्रैल 1891 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका सही उत्तर बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए भीमराव अंबेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजगोपाल आचारी, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर ए भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। इसका सही उत्तर बी श्रम विभाजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क, डी दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर सी न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरणा व्यक्ति कौन थे? ए बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर डी इनमें से सभी हो जाएगा, अर्थात बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों इनके चिंतन और प्रेरणा थे। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? ए 1942 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। इसका सही उत्तर सी 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ए कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी साक्षात्कार। इसका सही उत्तर सी निबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ए द कास्ट इन इंडिया, बी द अनटचेबल्स, हु आर दे, सी हु आर शुद्राज, डी इनमें सभी। इसका सही उत्तर डी इनमें से सभी। ये तीनों रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिका के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए कार्य कुशलता के लिए। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति पाथी पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ए द कास्ट इन इंडिया, बी जेनिसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु इज शुद्राज। इसका सही उत्तर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अंबेडकर के भाषण यानी रिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ए ललई सिंह यादव, बी किशोरी लाल, सी मोहन वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए ललई सिंह यादव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी कायस्थ। इसका सही उत्तर सी दलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवाद में। इसका सही उत्तर ए जातिवाद में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। इसका सही उत्तर डी भीमाबाई था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? ए 1920 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। इसका सही उत्तर सी 1916 ईस्वी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका सही उत्तर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसका सही उत्तर ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधों की कमी को। इसका सही उत्तर सी जाति प्रथा को। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ए भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा? ए लाभदायक, बी हानिकारक, सी अनुकूल, डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर बी हानिकारक। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? ए मऊ मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डुमराव बिहार, डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर ए मऊ मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। इसका सही उत्तर सी बहिष्कृत भारत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर भी भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। इस वीडियो में हमने 30 VBI ऑब्जेक्टिव को देखा। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।